हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़रहम एक कबीला था जो यमन मुल्क में रहा करता था। उनका पेशा कारोबार था। कारोबार के लिए इस कबीले के लोग मक्का होते हुए शाम मुल्क को जाया करते थे। मक्का वही जगह है जहां हज़रत हाजरा अपने बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ ज़िंदगी के दिन काट रही थी। एक दिन ज़रहम का काफिला मक्का से गुज़रा। सोचा यही आज रात ठहरूं, पड़ाव डाल दिया। फिर देखा कि वहाँ हमेशा के खिलाफ चिड़िया आ जा रही है। फौरन भाप लिया कि यहाँ कहीं पानी मौजूद है। खोज शुरू हुई। एक आदमी इसी काम के लिए छोड़ा गया था। उसकी नज़र उस चश्मे पर पड़ी जिसका पानी इतना साफ था कि दूर ही से चमक रहा था। चश्मे के पास ही उसने एक बीवी को बैठे देखा जो खूबसूरत भी थी और पाक दामन भी। उनके पास एक खूबसूरत सा नर्म व नाजुक लड़का बैठा खेल रहा था। वह आदमी उस जंगल में इन दोनों को देखकर दंग रह गया। पूछा, तुम कौन हो, जिन हो या इंसान? बीवी हाजरा ने उसे पूरी बात बता दी और कहा, यह सिर्फ अल्लाह का फजल है कि उसने एक बच्चा भी दिया और हम दोनों को जिंदा रखने के लिए चश्मे का ये पानी भी दिया। उस आदमी ने जो कुछ देखा था अपनी कौम को बताया। फिर क्या था, कबीले का सरदार हजरत हाजरा की खिदमत में पहुंचा। अर्ज़ किया कि अगर इजाज़त हो तो हमारे कबीले के लोग यहाँ आबाद हो जाए, इस तरह आपकी तन्हाई भी दूर होगी और इन लोगों को भी आसानी हो जाएगी। हज़रत हाजरा ने फरमाया कि अगर इस चश्मे का मुझे मालिक बनाना मंजूर हो तो तुम लोग यहाँ आबाद हो सकते हो और तुम्हारे बाल बच्चे यहाँ आ जा सकते हैं। चुनांचे वो लोग कुछ ही दिनों में वहाँ आकर आबाद हो गए। वो अपने साथ मवेशी भी लाए थे। फिर हंसी खुशी सब लोग रहने सहने लगे। फिर कुछ ही दिनों में वहाँ शानदार इमारतें तैयार हो गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी कबीले के बच्चों के साथ खेलने कूदने लगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये खुशहाली सुनाई और अल्लाह ताला की मेहरबानियों का ज़िक्र करते हुए बताया कि अब वो गैर आबाद इलाका आबाद हो गया है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साल में एक बार बुराक पर सवार होकर आते थे और अपने बाल बच्चों की खबर लेकर वापस चले जाते थे। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 15 साल के हुए, बीवी हाजरा अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। उन्हें हज़रे अस्वद के पास दफन किया गया। माँ के इंतकाल के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का दिल वहाँ से उकड़ गया। हर वक्त परेशान रहते, कहीं मन न लगता। यहाँ तक कि उन्होंने फ़ैसला किया कि
वो अब ये इलाका छोड़ देंगे। ये बात वहाँ के लोगों को मालूम हुई तो उनके बड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्हें बहुत समझाया, यहाँ तक कि अपनों में से एक लड़की भी आपके निकाह में दे दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन दिनों पूरे दिन शिकार पर रहा करते और इसके लिए पूरा दिन पहाड़ों और जंगलों के दरमियान बिताया करते। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इत्तेफाक से मक्का में तशरीफ़ लाए। उन्हें मालूम हुआ कि हजरत हाजरा दुनिया से रुखसत हो गई है। इस खबर से वो बहुत दुखी हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे, उनकी बीवी से हालत मालूम की और ये भी जानना चाहा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ है। वो बीवी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जानती थी, न ही इतना ढंग था कि मेहमान की खातिरदारी करती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेमन से वापस होने लगे तो वो बीवी को बुलाया और कहा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार से आए तो मेरा सलाम कहना और मेरी तरफ से ये पैगाम कि तेरे दरवाज़े की चौखट ठीक नहीं है, हमें ऐसी चौखट नापसंद है, इसलिए इसे बदल लो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये फरमा कर शाम मुल्क की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शाम को घर आए तो बीवी ने पूरी बात बताई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घर की चौखट तो है मगर निहायत बेअदब वो बेतमीज़ है। वो मेरे मेहरबान बाप हैं, ख़राब चौखट से मुराद तुम हो, इसलिए तुमको तलाक है, यही मेरे वालिद चाहते हैं। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाप ही की पसंद के मुताबिक एक दूसरी नेक औरत से शादी की। वो बहुत नेक, शरीफ और अखलाक वाली थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का में तशरीफ़ लाए। उस अक्लमंद बीवी ने उनकी बड़ी इज्जत की, मेहमान नवाजी की और बोली, ये औरत आपकी खिदमत में हाजिर है। वैसे मेरे शोहर इस वक्त मौजूद नहीं है, शिकार पर गए हैं। उन्होंने खाने के लिए भी पूछा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना कबूल किया और बुराक पर बैठे बैठे ही खा लिया। फिर बीवी ने अर्ज़ किया, आप बुज़ुर्ग हैं, सफ़र से आ रहे हैं, बालों में गर्द पड़ी है, लाइए इसे धो दूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाल धुलाने के लिए एक कदम रिकाब में रखा और दूसरा कदम पत्थर पर। बीवी ने पहले एक तरफ के बालों को धोकर मुलायम किया, फिर दूसरी तरफ का धोया, यहाँ तक कि उनके बाल बिल्कुल साफ़ और मुलायम हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पत्थर पर पाँव रखने से उस पर निशान पड़ गया जो इतना गहरा है कि कयामत तक वो नहीं मिट सकता। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मौजीज़ा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चलने लगे तो फरमाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहना कि
तेरी चौकट बहुत मुनासिब है, पसंद है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस हुए और हाथ मुंह धोकर इत्मीनान से बैठे तो उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पूरी बात बताई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, खुशकिस्मत हो, वो मेरे बाप थे। उनका चौकट पर कदम रखना बहुत बड़ी बात है। तुमने उन्हें अपने बर्ताव से खुश कर दिया है, इसलिए तुमसे मैं बहुत खुश हूँ और वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ऐसी ही दीनी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए।